रहो जीती रहो। क्या बात है, आज सुबह सुबह अचानक आशीर्वाद की क्या जरूरत पड़ी? चाचा जी, आज नीलू की पहली कमाई घर में आई है और उसे हम लोग आपको देना चाहते हैं। ना बेटा, इसे तुम अपने पास ही रखो। इनकार मत कीजिए चाचा जी, अरे आप तो हम लोग के बड़का बाबूजी हैं और बच्चों को अपनी पहली कमाई अपने पिता को देते हुए जो खुशी मिलती है वो खुशी हमसे मत छीने, ले लीजिए ना। नहीं, ले लीजिए बस। क्या हुआ बड़का बाबूजी, आप रो कह रहे हैं? हाँ बेटा, आज तुम लोगों की श्रद्धा और प्यार देखकर मेरी आंखें भर। बेटी, मेरी भी तीन तीन औलाद, मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। पढ़े लिख कर काबिल बनने के बाद वो तीनों मुझे छोड़कर चले गए। बेटा, तब से लेकर आज तक उसने मेरी कोई खोज खबर नहीं ली कि मेरा बाप जिंदा है या मर गया। बेटा, मुझसे तो अच्छा उस नरसिंह मेरा दोस्त दीनदयाल था बेटा, जिसे तुम लोगों जैसी अच्छी औलाद मिली। कितना अच्छा संस्कार दिया है। आज एक बाप की कुंठित आत्मा को बड़ा सुकून मिला है बेटा, बड़ा सुकून। नहीं बाबू जी, हो जाए। खुश रहो बेटा, सुखी रहो, खुश रहो। देखो पुनीत बाबू, हम आपको समझा तो नहीं सकते क्योंकि आप खुद बहुत समझदार हैं। हाँ, हम एक बात जरूर जानते हैं कि आदमी की जिद जब जानलेवा हो जाए ना तो उस जिद को त्याग देना चाहिए, इसी में भलाई। नैना जी अब चाह के भी नहीं गा सकती और आप जानबूझ के नहीं गा सकते, लेकिन हमारा मानना है कि संगीत ही एक ऐसी चीज है जिससे नैना जी तक वापस पहुंचा जा सकता है। नहीं राजबाबू, हमने दृढ़ निश्चय किया है कि अगर हमारी नैना गाना नहीं गा सकती तो हम भी गाना नहीं गाएंगे। आप हमें हमारे प्रण से डगाइए मत, और ऐसा कुछ भी करने को मत कहिए जो हम कर ना सकें, और हमारे मना करने पर आपको मायूस होना पड़े। ठीक है, शांति 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 से काम लीजिए ना। ऐसा कोई फैसला क्यों ले रहे हैं अभी आप? क्यों, धैर्य से काम लीजिए। अभी ऐसा कोई निर्णय मत लीजिए। हम नैना जी के प्रति आपके इस त्याग का सम्मान करते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा फैसला मत लीजिए ना तुरंत। आप सोचिए, आप दोनों का मिलन संगीत की वजह से हुआ है। एक दूसरे के दिलों तक आपकी आवाज गई, इस आवाज को सुना है एक दूसरे की आत्मा ने। यह अलग बात है कि अभी आप दोनों साथ में नहीं रहते,
वो दूर है आपसे, अजनबी है आपके लिए, लेकिन मेरा विश्वास है कि संगीत ही एक ऐसा हथियार है जिससे नैना जी तक पहुंचा जा सकता है। अरे जागिए, आइए स्टेज पर, छेड़ दीजिए सुरों के तार, झनकार। मेरा विश्वास है कि आपकी आवाज को सुन करके नैना जी वापस आपकी तरफ खींच के चली आएंगी, मेरा दावा है। अब हमसे ये सब नहीं हो सकता राजबाबू। नहीं, आपको गाना होगा अपने लिए, मेरे लिए, नैना जी के लिए, अपने उन लाखों लाख फैंस के लिए जो आपकी तस्वीर अपने दिलों में बसाए रखते हैं। आपको नैना जी की कसम। ये आपने हमें कैसे बंधन में बांध दिया राजबाबू, जिसे हम चाह कर भी तोड़ नहीं पाएंगे। इसका मतलब आप गाएंगे? हम अपनी नैना के लिए गाना जरूर गाएंगे। आप जाइए और शो ऑर्गेनाइज कीजिए। अरे हम शो ऑर्गेनाइज कराते हैं, जल्द से जल्द आपका शो करवाते हैं। ये सब ठीक हो जाए, तुम ठीक हो जाओगे। कहाँ है लड़को? देखो ना दीदी, खांसी रुक ही नहीं रहा है। दवाई दीदी इसको। नहीं, तुम भी तो जरूरी चीज सब एकदम भुला जाती हो, कुछ याद तो रहता ही नहीं है। नहीं दीदी, दवा तो दे देना था ना, एक ही है। देना तो था, बाकी अभी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, फिलहाल एक ही दे देते हैं। हाँ, लो लो नीडर, लो खाओ इसको। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे पैसे? नीले की तबीयत तो बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है, और अब तो दवाई भी खत्म हो गई, कहाँ से लाएंगे इसकी दवा के लिए पैसे? कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, क्या करें। अब कुछ अच्छा लग रहा है नीले? सब ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। क्या बात है बेटा, नीले बहुत खांस रहा था। देखिए ना बड़का बाबूजी, नीले की तबीयत खराब होती जा रही है, और अब तो ये दवा भी। रो मत बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं नीले को किसी दूसरे अच्छे डॉक्टर से दिखाता हूँ। एक काम करो, दवा की पर्ची मुझे दे दो, मैं दवा लेकर आता हूँ, ताकि इसे रात में आराम मिले। हम पर्ची लेके अभी आते हैं, तुम लेट जाओ नीले, लेटो, हम आते हैं अभी। हमको तो समझ में नहीं आता है बड़का बाबूजी, कि हर बार हम लोग के साथ ही ऐसा काय होता है। ये कोई समस्या का समाधान भी नहीं होता, कि दूसरी समस्या सर पर पहाड़ के जैसे खड़ी हो जाती है। बात यह है बेटा, कि जब भगवान परीक्षा लेता है तो चरम सीमा तक लेता है। इन परिस्थितियों में इंसान का विवेक और साहस ही काम आता है। घबराओ मत बेटा, जो तकलीफ देता है वही निदान का रास्ता भी सुझाता है। बड़का बाबूजी। हाँ बेटा। ये लीजिए पर्ची। हाँ ठीक है बेटा, मैं दवा लेके आता हूँ। नीलू, आखिर ऐसे कब तक चलेगा? हम लोगों को कदम कदम पर पैसों की जरूरत पड़ेगी, और फिर बड़का बाबूजी कब तक काम चलाएंगे? उनके अपने भी तो खर्चे हैं, और आय का सीमित साधन भी। ऐसे में उन पर बोझ बनने से अच्छा है कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। हाँ। तो तुम ही बताओ ना दीदी, क्या किया जाए?
इस समस्या से मुक्ति कैसे पाया जाए दीदी? अपने हुनर का इस्तेमाल। हाँ नीलू, हमें गाना होगा, हमें फिर से स्टेज पर लौटना होगा, और इसमें हमारी मदद करेंगे पाठक जी। तुम रुको, हम अभी उनको फोन लगाते हैं। पता नहीं कौन टाइम बेटाइम फोन करते रहता है। नैना जी, हेलो जी। पाठक जी नमस्ते, हम नैना बोल रहे हैं। नैना जी बहुत अच्छा लगा आपने इतने दिनों बाद हमें याद किया। बताइए नैना जी, कैसी हैं आप? देखिए हाल समाचार छोड़िए, हम लोग काम की बात करते हैं। बताइए ना जी। बात दरअसल ये है कि हम स्टेज पर वापस आना चाहते हैं। क्या बात कर रही हैं नैना जी आप, ये तो बड़ा गुड न्यूज़ दिया है आपने। बताइए कब रख रहे हैं आपका प्रोग्राम? आपका जब भी मन करे आप रख सकते हैं। नैना जी बात तो सही है, लेकिन इतने दिनों बाद हम लोग काम की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग मिल बैठ के कुछ तय कर ले, कैसा रहेगा? हाँ आप हमारा पता नोट कीजिए। एक सेकंड एक सेकंड नैना जी, बट एक सेकंड होल्ड कीजिए प्लीज। अरे कहाँ रख दिया यार? नहीं आपके नहीं, ये लीजिए यहीं पर है, फिर भी हम ढूंढ रहे हैं, पता नहीं जे वहीं में रखे थे जी। नैना जी जी, बहुत बढ़िया जी, ये हमारा पता है, आप जब उचित समझिए आ जाइए। अरे जब उचित के का मतलब है? अरे हम कल सवेरे ही आ जाते हैं नहा धो के। जी ठीक है ठीक है। अरे वाह, नैना जी की स्टेज पर वापसी, मतलब तगड़ी कमाई। वाह पाठक वाह, तेरी टीनू के बड़ी बे। अरे क्या कर रहा जी सुनिए, नैना जी यहीं रहती हैं? हाँ, पर आप कौन हैं? हम राज ग्रुप कंपनी से आए हैं, पाठक जी ने हमें भेजा है, नैना जी से कुछ बात करनी है। ठीक है, हम दीदी को भी बुलाते हैं। दीदी, राजग्रुप कंपनी से आपसे कोई मिलने आए हैं। हाँ हाँ, तू उन्हें बैठा, हम अभी आते हैं। आप बैठिए, दीदी अभी आती है। जी शुक्रिया। नमस्ते जी, कहिए। हमें पाठक जी ने भेजा है। पाठक जी खुद नहीं आए? वो खुद ही आने वाले थे, पर अचानक एक प्रॉब्लम आ गया सो हमें भेज दिया। वो बता रहे थे कि आप वापस फिर से स्टेज पे आ रही हैं। जी वो बात दरअसल ये है कि बहुत अच्छा फैसला किया आपने नैना जी, जो एक बार फिर अपनी आवाज के जादू से श्रोताओं के दिलों को बेकाबू करने के लिए वापस आ रही हैं। भाई अब भी आपकी आवाज को लोग भूले नहीं हैं। देखिए हम खुद नहीं गाएंगे। हम नहीं गाएंगे? मतलब? मतलब ये कि इस बार हमारे गाने की इच्छा नहीं है, पर आप इनसे मिलिए, ये है हमारी छोटी बहन नीलू, बहुत ही बढ़िया गाती है और संगीत भी हम ही से सीखा है इसने, तो इस बार इसे मौका दीजिए, ये स्टेज पर आए, हम यही चाहते हैं। नैना जी, राज ग्रुप एक प्रतिष्ठित कंपनी है, नुक्कड़ पे नाटक करने वाली संस्था नहीं, हम लोग नए लोगों को मौका देने के लिए नहीं बैठे हैं। वैसे एक सच्चाई आप भी सुन लीजिए मैडम,
आपका शो करा के भी हम लोग एक रिस्क ही ले रहे हैं। इतने दिन हो गए, क्या पता आपके सुर भी बेसुरे हो गए हों। देखिए नीलू नई जरूर है, पर इसमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं ये बहुत अच्छा गाएगी। आप एक बार इसका शो तो रखवाइए। माफ कीजिए मैडम, आप अपने साथ साथ हमारा भी समय बर्बाद कर रही हैं। हमें आज की पैदा हुई इस प्रतिभाशाली कलाकार में कोई दिलचस्पी नहीं है, चलता हूं। पर सुनिए तो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और हाँ, आज के बाद आप पाठक जी का कीमती समय बर्बाद मत कीजिएगा, समझी? अब क्या होगा दीदी, नीले के इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तू उदास मत हो नीलू, अगर समस्या ऊपर वाले ने दी है तो समाधान भी वही करेंगे। हाँ भरोसा रखूं पर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तुमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सब गई तो कहाँ गई, जमीन निगल गया कि आकाश खा गया, हमको एकदम समझ में नहीं आ रहा है। अरे फंस करवा, हम तो ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए कि निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। दीदिया, दीदिया का ही पता नहीं है, अगर वो आती तो कुछ हमको राहत भी मिलता। हे भगवान, हम तो फंस गए हैं। भास्कर, ए भास्कर! नारायण बाबू, क्या नारायण बाबू? हेरा फेरी का मास्टर, तुम्हारा टाइम खत्म।